नमस्कार, आप एनबीसी 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। बता दे, अब तक की सबसे बड़ी खबर है बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस दौरान किसान सलाहकार जो है वो आर ब्लॉक पहुंच गए थे। आपको बता दें कि आज तमाम किसान सलाहकार जो है बिहार विधानसभा का घेराव करने वाले थे। इस दौरान वो आर ब्लॉक पहुंचे हैं और वहां पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो आगे बढ़ रहे थे। मजबूरन पुलिस को उनको खदेड़ना पड़ा है। देखिए विजुअल में किस तरीके से तमाम जो किसान सलाहकार हैं कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए थे। आज वो बिहार विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान पटना के आर ब्लॉक पर तमाम पुलिस ने उनको खदेड़ दिया है। हालांकि वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। कई दिनों से उनकी मांग थी कि जितने भी किसान सलाहकार हैं उनको नियमित वेतन दिया जाए और जिस तरीके से तमाम जो राजकर्मी का सुविधा होता है वो उनको दिया जाए, क्योंकि उनकी जो वेतन है काफ़ी कम मात्रा में है और लगातार वो सड़क से लेकर तमाम लगातार वो कई दिनों से धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। तमाम विधायक मंत्रियों से अपना ज्ञापन भी सौंप रहे थे। देखिए आज किस तरीके से उनको खदेड़ा जा रहा है, क्या कुछ हुआ है आर ब्लॉक के पास, देखिए इस विजुअल में। पुलिस का उसके लिए हम लोग क्रिमिनल FIR भी हो जाएगा सर। ये तो सर लाठीचार्ज हुई है सर? लाठीचार्ज नहीं हुई है, शुरुआत में हल्का खदेड़ना पड़ा उनको, क्योंकि उनको पर्याप्त समय दिया गया था यहाँ से डिस्पर्स हो जाने के लिए, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। विधानसभा के आसपास कोई भी किसी भी तरीके से प्रदर्शन धरना नहीं कर सकता है, उसके लिए गर्दनीबाग धरना स्थल चिन्हित किया हुआ है और इनको परमिशन दिया गया था गर्दनीबाग धरना स्थल के लिए। इसके बावजूद ये लोग यहाँ बहुत भारी संख्या में जुट गए। जुटने के बावजूद हम लोगों ने उनको समय दिया गया कि आप लोग ये एक गलत तरीके से कर रहे हो, आप गर्दनीबाग धरना स्थल जाइए। उनको पर्याप्त मौका दिया गया और ये भी उनकी डिमांड थी कि कुछ लोग उनको मिलवाने के लिए भी हम लोगों ने सचिवालय में बात की, सेक्रेटरी सर इनको मिलने के लिए तैयार भी हुए थे, इसके बावजूद वो लोग नहीं हट रहे थे। इसलिए हमारे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए खदेड़ना पड़ा। हल्का शुरुआत में किया लेकिन बाद में नहीं किया। गिरफ्तारी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी हुई है क्योंकि 144 का वायलेशन हुआ है। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सर कौन थे ये जो सर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कौन थे? किसान सलाहकार थे। नहीं नहीं ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम किसान सलाहकार को खदेड़ दिया गया है और तमाम जो कई सलाहकार हैं उनको उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई हैं। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।